फ्रेंड्स, पब्लिक और जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, इसका तो आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि ये मैं आपको आटा दिखा रहा हूँ और ये बग़ैर गूंधा हुआ आटा। इसके साथ साथ ये जो है इसी आटे को गूंधा गया है और इसका ख़्याल मुझे उस वक्त आया जब पिछले दिनों अमेरिका या गालिबन इंग्लैंड से किसी खातून ने ये वीडियो अपलोड की थी कि आटे में रबड़ और प्लास्टिक की मिलावट हो रही है जिससे कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो मैंने ये सोचा कि ये तजर्बा अपने घर में करके देखा जाए। तो हम लोग लेकर आए पैक पार्लर एक कोई आटा है जिसका इस वक्त मेरे पास रैपर तो नहीं है, लेकिन मैं मोहम्मद शाहिद रहने वाला नाजमाबाद का हूँ। बाकायमी होशो हवास खुदा और रसूल को हाजिर और नाजिर जान कर ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को यानी आपको हमें ये जो साहूकार हैं जो आटा बनाने वाली मिले हैं ये हमें कुछ और नहीं खिला रही, आटा नहीं खिला रही, कैंसर खिला रही हैं। आइए मैं बताऊँ कैसे। ये रखो, ये इधर ले आओ। वो आटा चला गया और ये गूंधा हुआ आटा मैं ला रहा हूँ। ये आ गया आटा और अब दिखाएं भैया, ये है बैक पार्लर का जिस पर लिखा होता है कि खालिस आटा या उस किस्म की कुछ बातें लिखी होती हैं हिफ्जान सेहत के उसूलों के मुताबिक। अब ज़रा इसका हशर देखें, ये हो रहा है और हम ये सोच रहे थे कि एक डेढ़ हफ्ते से जब हम ये खा रहे हैं मुसलसल, तो ना सिर्फ ये कि पेट में मरोड़ और दूसरी चीज़ें बदहजमी और एसिडिटी और ये सब कुछ हो रहा था, हम सोच रहे थे कि क्या है। तो इत्तेफाक से मैं उनको सलूट करूँगा, उन खातून को जिन्होंने अमेरिका से अपनी वीडियो भेजी थी। अब आप ये देखिए, इसका एक सैंपल हम आपको दिखाते हैं। मेरी धुल रहा और ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर ये आटा होता तो अब तक ये बह चुका होता, हाथ में ना रहता। लेकिन ये रबड़ है, रबड़ खालिस प्लास्टिक जो कबाड़ी हमारे यहाँ कचरों से चुनते हैं, ये मालिकान जो हैं आटे के मिल के मालिक हैं ये खरीद लेते हैं और उसको रिसाइकिल करके ये आटे में मिलाते हैं और ना जाने और कितनी अशिया में मिला रहे होंगे। यहाँ तो अजाब बन चुकी है ज़िंदगी। मैं खुदा को हाजिर व नाजिर जानकर फिर कह रहा हूँ कि इसमें ज़रा सा भी छूट नहीं है, ना मेरी किसी से दुश्मनी है, ना मैं किसी के ख़िलाफ़ काम करना चाहता हूँ। मुझे तो इस आटे का नाम भी नहीं पता था, ये तो बाद में पता चला कि ये जिस दुकान से खरीदे ये आटा, ये देखिए खींचो ज़रा इसको, ये हाँ अब ये पानी साफ निकल रहा है और ये हमने अच्छा खासा गूंदा है। इसका मतलब है कि एक फुटबॉल बन सकती है इससे, रबड़ की या प्लास्टिक की, अंदाज़ा करें आप। ये खुदा के वास्ते आप लोग खाना छोड़ दें, ये बाकायदा इसके खिलाफ स्ट्राइक की जाए। और मैं एक बात कहता चलूँ कि परसों से जो शोर सुन रहे हैं चंद लीडरान का कि पार्लियामेंट पर लानत है, लानत है, लानत है, ये मैं इसको 100 दफ़ा कहता हूँ कि इस पार्लियामेंट पर लानत है, क्योंकि यही मालकान जो हैं, ये जो साहूकार हैं, ये जो किसानों से अपना काम करवाते हैं और अपने ड्राइंग रूमों में बैठ के अय्याशियाँ करते हैं, ये हम कौम को ये खिला रहे हैं और इनको पालने वाले यही पार्लियामेंटेरियंस हैं, क्योंकि ये लाखों की तादाद में इनको वोट दिलवाते हैं और इनको हर महीना भत्ता पहुँचता है और जो जहाँ जहाँ मिले हैं उसके आसपास जितने भी थाने हैं वो थानों को भत्ता पहुँचता है। लानत है इस सिस्टम पर, लानत है इस पार्लियामेंट पर। ये आप देख लें, ये हो रहा है हम लोगों के साथ अशर।